हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग चैप्टर नंबर एट ऑफ योर क्लास सेकेंड सिलेबस दैट इज़ मदर्स मदर क्रैब्स प्लान ओके सो क्रैब इट 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 इज़ अ क्रिएचर क्रैब एक तरीके का जीव है जिसको आप हिंदी में केकड़ा कह सकते हैं ठीक है तो मदर क्रैब थी एक और उनका प्लान था इस इस चीज़ पर यह चैप्टर पूरा है लेट सी कि क्या होता है सबसे पहले वार्म अप दिया हुआ है देखिए लिखा है क्वेश्चन विच फिश लाइट्स अप एट नाइट अ स्टार फिश सो स्टार आप जानते हैं रात में चमकता है तो एक स्टार फिश ऐसी फिश है जो रात में चमकने लगती है ठीक है वाई फिश आर इंटेलिजेंट फिश इंटेलिजेंट क्यों होती हैं? बिकॉज दे आर ऑलवेज इन अ स्कूल वो स्कूल में तो नहीं होती है पर फिश जब एक साथ होती है तो उनको कहते हैं स्कूल ऑफ फिश कलेक्टिव नाउन होता है ठीक है अगर कभी ढेर सारे फिश हैं तो आप बोलेंगे देयर इज़ अ स्कूल ऑफ फिश ठीक है ये बोलने का तरीका है लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी इट इज़ नियरली टेन ओ क्लॉक एट नाइट इट इज़ डार्क एंड विंडी आउटसाइड सो रात के लगभग दस बज रहे हैं और रात में दस बज रहे हैं और बाहर जो है बहुत अंधेरा है और हवा चल रही है नीना एंड नवीन आर ऑलरेडी इन बेड नीना और नवीन नाम के दो बच्चे हैं वो बेड में जा चुके हैं देयर स्कूल इज़ क्लोज फॉर समर हॉलीडेज़ उनके स्कूल्स बंद हैं समर हॉलीडेज़ में देयर कज़न्स सुमन एंड मोना आर ऑल्सो स्टेइंग विद दैम तो सुमन एंड मोना भी आए हुए हैं उनके साथ रहने के लिए बट नीना एंड नवीन आर नॉट स्लीपी पर नीना और नवीन को नींद नहीं आ रही सुमन एंड मोना आर ऑल्सो अवेक सुमन एंड मोना भी जागे हुए हैं सुमन सेज़ लेट अस आस्क आंटी टू टेल एस स्टोरी तो फिर ये कहते हैं चलो हम आंटी से बोलते हैं कि हमें एक स्टोरी सुनाए दैट्स अ गुड आइडिया नीना सेज़ नीना ने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है दे ऑल गो टू मिसेज़ नेगीज़ बेडरूम एंड नॉक ऑन द डोर तो वो चारों बच्चे मिसज़ नेगी के बेडरूम में जाते हैं और नॉक करते हैं डोर पर मिसिज़ नेगी ओपन्स द डोर एंड लेट्स द चिल्ड्रेन इन मिसेस नेगी डोर ओपन करती हैं और फिर बच्चों को अंदर आने देती हैं नवीन सेज़ मदर प्लीज़ टेल अस अ बेड टाइम स्टोरी तो फिर नवीन कहता है मम्मी से मम्मी हमें प्लीज़ एक बेड टाइम स्टोरी सुनाइए मिसेस नेगी स्माइल्स एंड सेज़ ऑल राइट एवरी वन स्नगल अप फिर वो स्माइल करती है और कहती हैं ठीक है सब लोग स्नगल अप हो जाओ स्नगल अप का मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाओ आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरी अबाउट अ बेबी क्रैब मैं तो मैं एक बेबी केकड़े के बारे में स्टोरी सुनाने जा रही हूँ बेबी क्रैप के बारे में येस प्लीज़ से द चिल्ड्रन चिल्ड्रेन चिल्ड्रन है हाँ हाँ प्लीज़ एंड मिसिज नेगी बिगिन हर स्टोरी मिसिज नेगी अपनी स्टोरी को बिगिन करती हैं बेबी क्रैप लिव्ड इन सी विद हिज़ मदर एक बेबी क्रैप था वो अपने सी में मम्मी के साथ रहता था ही लाइक प्लेइंग ऑन द बीच उसको बीच पर खेलना बीच मैंने बताया है आपको समुद्री इलाका वहाँ पर होता है तो उसको वहाँ पर खेलना बहुत पसंद था ही प्लेड देयर है एवरीडे और वो वहाँ पर हर दिन खेलता था देखिए बच्चे सुन रहे हैं स्टोरी बट वन मॉर्निंग टू बॉयज केम टू द बीच एंड टीज्ड हिम बट एक मॉर्निंग क्या हुआ कि दो लड़के आए और उसको परेशान करने लगे एक दिन बीच पर He wondered why the two boys were chasing him. He was frightened and he started crying. So, he baby crab or laga. In the evening when mama crab came back to their home in the sea. crab Baby crab told her about the naughty boys. Mama crab was very angry. बेबी क्रैब ने उनको सब बातें बताई फिर मम्मा क्रैब बहुत एंग्री हो गई द बॉयज़ वर ऑन द बीच दे वर प्लेइंग विद अ पपी सो वही वाले लड़के बीच पर थे और वो एक पपी के साथ खेल रहे थे आफ्टर सम टाइम द बॉय सैट डाउन कुछ देर बाद बॉयज़ नीचे बैठ गए दे सो बिग स्टार फिश तो उनको एक बहुत बड़ा स्टार फिश भी दिखा स्टार फिश स्टार के शेप का होता है दे कॉल देयर फ्रेंड्स टू जॉइन देम तो उन्होंने अपने फ्रेंड <coughs> फ्रेंड्स को भी लिया वहाँ पर उन लड़कों ने ममा क्रैब वांटेड द बॉयज़ टू गो अवे ममा क्रैब क्या चाहती थी कि ये लड़के बदमाश लड़के यहाँ से चले जाएं शी प्लान्ड टू टीच देम अ लेसन तो ममा क्रैब ने प्लान किया कि ये इनको एक सबक सिखाएंगी शी कॉल्ड ऑल द बिग क्रैब्स दे केम आउट ऑफ देयर हाउस इन द रॉक्स तो ममा क्रैब ने सारे बड़े बड़े केकड़ों को बुला लिया फिर वो अपने अपने घरों से बाहर आ गए शी पॉइंटेड आउट द नॉट ही बॉयज टू दिथ क्रैप्स दैन शी टोल्ड देम अबाउट हर प्लान तो फिर बड़े बड़े क्रैप्स को उन्होंने म, म, ममा क्रैप ने लड़कों को दिखाया और फिर उनको अपने प्लान के बारे में बताया प्लान ये था कि बड़े बड़े क्रैप उनको खूब डराएंगे और फिर ऐसा ही हुआ द बिग क्रैप मूव टूअर्ड्स मूव टूअर्ड्स द बॉयज़ क्विटली धीरे धीरे वो बड़े बड़े केकड़े लड़कों की तरफ बढ़ने लगे Suddenly वन ऑफ़ द boys लुक डाउन एंड saw द बिग crabs क्रॉलिंग near their फीट तो फिर अचानक से क्या हुआ उनमें से एक लड़के ने देखा कि नीचे ज़मीन पर बड़े बड़े केकड़े उनके पैर के पास आ रहे हैं रन ही शावटेड द बिग क्रैप्स आर कमिंग फॉर टोस फिर उन्होंने फिर कहा उन्होंने कि भागो बड़े बड़े केकड़े हमारे पैर के लिए आ रहे हैं द बॉयज स्टार्टेड रनिंग दे रेन ऑल द वे टू द कार पार्क तो फिर बॉयज रन करने लगे डर के और फिर वो कार की तरफ चले गए बेबी क्रैप कुड कम आउट टू प्ले नाउ मामा क्रैप थैंक ऑल हर फ्रेंड्स फॉर देयर हेल्प अब बेबी क्रैप आ सकता था खेलने के लिए मामा क्रैप ने सबको उनकी हेल्प के लिए सारे बड़े बड़े केकड़ों को उनकी हेल्प के लिए शुक्रिया कहा मिसेस नेगी फिनिशेस हर स्टोरी एंड टेल्स द चिल्ड्रन रिमेंबर किड्स द बीच इज़ फॉर एवरीवन मिसेस नेगी ने अपनी स्टोरी फिनिश करी और उन बच्चों से कहा बच्चों हमेशा याद रखना जो बीच होता है वो सब के लिए होता है कोई एक उस पर हक नहीं जमा सकता मोना एड्स येस फॉर लिटिल क्रैप्स टू मोना कहती है हाँ छोटे छोटे केकड़ों के लिए भी ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी ममा क्रैब ने प्लान किया कि कैसे वो गंदे बच्चों को भगाएंगी सी टू मीनिंग्स आर गिवेन यर स्मगल अप स्नगल अप का मतलब पास पास बैठ जाओ सिट क्लोज स्टार फिश एंड एनिमल दैट लुक्स लाइक अ स्टार स्टार की तरह का एनिमल दिखता है ठीक है एंड दिस वज ऑल अबाउट द स्टोरी दैट मिसज नेगी टू ऑल दैम एट नाइट तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बीच जो है वो सब के लिए होता है ठीक है हमें कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए जैसे इन दो लड़कों ने किया था ठीक है सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड The exercises and the question answer, you will get a PDF form of that. I hope you have completed it till now. But if you have any problem in this chapter, you are free to ask in your doubt clearing classes. Uh, thank you for watching the video. Again, if you have any doubt, you are free to ask. Thank you for watching the video.